अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गेम टॉक विद आबिद पठान के आज के शो की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं मार्टियर्स कप के हवाले से कहना चाहूंगा। मार्टियर्स कप एक ड्रीम होता है एक फुटबॉलर के लिए है। वादी कश्मीर में मार्टियर्स कप काफी मायने रखता है खेलना। हम अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें, लेकिन हम भारत यूरोप की बात करें, वो तो अलग एक फुटबॉल होता है। लेकिन वादी कश्मीर में फुटबॉल में अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, काफी उर्मूज पर नाम लिया जाता है। लेकिन एक टीम महाराजा स्पोर्ट्स, ये वो महाराजा है जिसकी बदौलत काफी लड़कों ने अपना रोजगार जो है इस गेम में लिया। बल्कि ये कह सकते हैं कि वादी कश्मीर रियासत यूटी में इस महाराजा का नाम एक फुटबॉलर अपनी जुबान से काफी अच्छे से लेते हैं। और इस बीच में आज मेरे जो मेहमान है, अस्सलाम वालेकुम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आज मैन ऑफ द मैच भी आए। ये बताइए कि आज इस टूर्नामेंट के हवाले से बोलिए और अपनी टीम के हवाले से कुछ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह तआला शुक्र लगा है कि आज हमारा मैन ऑफ द मैच आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19th जे के प्लीज इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, तो आज हमारा पहला प्री क्वार्टर मैच था। तो ये मैच हमारा कश्मीर पैंथर्स के साथ था, तो 2-1 स्कोर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी थी, यंग प्लेयर है जो कि आज तक महाराजा करती आती है, यंग प्लेयर्स को टैलेंट देते हुए स्पॉन्सर करते हैं। तो इसी हवाले से मुझे लगता है कि महाराजा एक अच्छी क्लब है जो आगे जाके फॉरवर्ड करती है लड़कों को। प्रोफेशनल तरीका इनके क्लब को स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, महाराजा के हवाले से कह सकते हो महाराजा के कंट्रीब्यूशन है। आज तो बिलाफिर काफी क्लब्स हैं जो एक अच्छा वलवला लेकर है, उसमें हम एक फेस जो कह सकते हैं रियल कश्मीर या महाराजा इकबाल, डाउनटाउन हीरोज, पैंथर्स और भी लोन स्टार अली जाना, काफी टीम जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फुटबॉल में। लेकिन महाराजा का जो कंट्रीब्यूशन है, ये इसमें हम सबकी सराहना करते हैं। इसके अलावा ये बताइए कि आपने जो महाराजा को टीम को आपने चुना है, क्या ड्रीम था इसमें? तो ड्रीम अपना अच्छा देना है टीम के लिए। इससे पहले भी महाराजा के लिए खेला बहुत, क्योंकि महाराजा ने सपोर्ट किया बहुत इससे पहले भी। इससे पहले मैं JKTV से भी खेला हूँ, तो 3 साल फिर बंद हो गया, तो उसके बाद फिर रिन्यू हो गया। यहाँ महाराजा हमें सपोर्ट करता है, इसलिए फिर से दोबारा हम महाराजा लेंगे कि प्लेयर को सपोर्ट करता है। आपको नहीं लगता कि महाराजा एक प्राइवेट क्लब है, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी टीम्स होने की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बंद ही हो रहे हैं दिन ब दिन। यहाँ तो JK पुलिस और AG ऑफिस जो लेते हैं लड़की, JK बैंक लेते थे, वो भी तो बंद हो गया। देखिए जी, एक मैसेज है फुटबॉलर की तरफ से, कभी कभार सहमा होता है फुटबॉलर, इनका यही कहना कि असल माने में जब इंसान एक फुटबॉलर ड्रीम लेकर जाता है, लास्ट में एक चीज़ होता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ रोजगार होना ही होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ वादी कश्मीर में यही कुछ क्लब्स हैं जो कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए करते, बिलाखिर इनके जो ऑनर्स भी, इनके जो स्पॉन्सर्स भी है, वो भी कोशिश में होते कि ब्लड के लिए कुछ करे, यंग ब्लड के लिए कुछ करे, अपकमिंग स्टार्स के लिए कुछ करे, लेकिन गवर्नमेंट का बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग करे। एंड फुटबॉल यहाँ पे अभी 1-2 सालों से कम दिख रहा है, आपको नहीं लगता कि जैसे फुटबॉल एसोसिएशन टूर्नामेंट कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट और होने चाहिए? ये तो होने चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सपोजर होता है लड़कों को। आज बहुत सारे बाहर भी खेलते हैं, आई लीग में खेलते हैं, वो ISL में खेलते हैं, जो कि हमारे JK प्लेयर में यहाँ पे है, JNK प्लेयर में, JNK स्टेट में हमारे प्लेयर जो बाहर गए हुए, क्योंकि पिछले साल तो टूर्नामेंट कोई नहीं लगा, खाली एक टूर्नामेंट लग गया पुलिस का ही टूर्नामेंट, 18th मार्केट फुटबॉल टूर्नामेंट। अब साल तो अभी नहीं, अभी 19th है, पिछले साल 18 था, वही एक टूर्नामेंट पिछले साल हमने खेला है, वो हमने इकबाल के थ्रू खेला था, वहाँ पे उस टाइम लीग नहीं लगी थी, लीग तो इसी साल वो भी जल्दी, लेकिन अच्छा है कि लीग जल्दी लग गई, तो एक्सपोजर मिल रहा है हमें भी, कम से कम एक टीम को 20 मैच खेलने का मौका मिलता है, तकरीबन प्लेयर भी तभी नहीं है जी। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक्सपोजर कैंप्स की भी काफ़ी ज़रूरत है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काफ़ी दिखा रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा कुछ कुछ प्लेयर जो है, काफ़ी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, उनका करियर ज़ाया हुआ है क्योंकि बैकअप नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, बिलाखिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट बात है। और आपका पूरा नाम क्या है वो बताइए? यही सालिम, एंड मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा महाराजा स्पोर्ट्स को भी।